हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था बेटा, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों उसके अपन ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। उसमें अपन ने अलैंगिक जनन भी पढ़ लिया और लैंगिक जनन स्टार्ट कर दिया था बेटा। मैंने आपको कहा भी था बच्चों, लैंगिक जनन में 3 घटनाएँ होती है। एक तो होती है बेटा निषेचन पूर्व घटना, एक निषेचन और एक निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में अपन ने डिस्कस किया था बच्चों, एक तो युग्मकों में जनन यानी युग्मकों का निर्माण, नर और मादा युग्मकों के निर्माण को अपन ने कहा था बेटा युग्मक जनन। और एक मैंने कहा था बेटा युग्मकों का स्थानांतरण यानी नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचना, उसको अपन ने बोला था बेटा युग्मकों का स्थानांतरण। आज अपन डिस्कस करेंगे बच्चों निषेचन यानी उसकी सेकंड घटना। एक्चुअली में 3 घटनाएं हैं बेटा, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो आज सेकंड घटना डिस्कस करेंगे बेटा क्या, निषेचन। और थर्ड घटना भी आज ही के लेक्चर में अपन पूरी करेंगे बेटा, निषेचन पश्चात घटना। ठीक है ना बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है बेटा अपना निषेचन। तो बच्चों यार निषेचन होता क्या है बेटा, पहली चीज़ तो आपको ये आनी चाहिए यार, निषेचन होता है क्या बेटा। निषेचन इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए इमेजिन करिए कि यार ये कोई नर युग्मक है। क्या बच्चों? ये नर युग्मक। और ये मैं कह रहा हूँ कि यार मादा युग्मक है। ये तो हो गया बच्चों नर युग्मक, और ये क्या हो गया बेटा? मादा युग्मक। आपको पता है बच्चों ये नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं बच्चों? अगुणित होते हैं। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब जानते हो ना बेटा, गुणसूत्र जोड़ों के रूप में नहीं होते, अनपेयर्ड क्रोमोसोम यानी जोड़ों के रूप में नहीं होते बेटा। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक है बेटा, ये युग्मक आपस में संलयित हो जाएंगे बच्चों, और संलयित होकर के एक संरचना बनाते हैं बच्चों। उस संरचना को बोलते हैं बेटा अपन युग्मनज, या क्या बोलते हैं बेटा? जायगोट। क्या बोलते हैं बच्चों? जायगोट। तो n प्लस n मिलकर के क्या बना बच्चों? 2n। तो एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं बेटा, उसको अपन ने क्या नाम दिया था बच्चों? जायगोट। तो बेटा निषेचन होता है क्या बेटा? निषेचन वह क्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, और नर और मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। ऐसी क्रिया को अपन ने क्या नाम दिया था बच्चों? निषेचन। क्या नाम दिया था बेटा? निषेचन। अब देखो बच्चों, निषेचन से कुल मिला के क्या बन गया बच्चों? जायगोट बन गया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यार निषेचन कितने प्रकार का होता है बेटा। तो आई थिंक ये भी पढ़ा होगा बेटा 10th क्लास में, 2 प्रकार का निषेचन होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है बेटा वो इसी में ही है। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के क्या बच्चों? प्रकार। तो निषेचन 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक तो बाह्य निषेचन होता है और एक क्या होता है बच्चों? आंतरिक निषेचन। तो पहला अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन होता है क्या बेटा? नाम से पता चल रहा, निषेचन यानी युग्मकों का संलयन, बाह्य यानी बाहर। बाहर का मतलब क्या होता है बेटा? मादा जीव के बाहर, मादा जो जनक होता है बेटा उसके शरीर के बाहर यदि मान लीजिए युग्मकों का संलयन हो रहा है बेटा, तो ऐसे निषेचन को क्या बोलेंगे बेटा? बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन की क्या डेफिनेशन हो गई बेटा? यदि नर व मादा युग्मकों का संलयन बाहरी माध्यम यानी जल अर्थात जीव के शरीर के बाहर यदि होता है, तो बच्चों ऐसे निषेचन को क्या बोलते हैं बेटा? बाह्य निषेचन। कभी आपने वॉच किया हो बच्चों, जैसे मान लीजिए फ्रॉग है बेटा, इमेजिन करिए कि यार ये फ्रॉग है बेटा, इमेजिन करो कि ये फ्रॉग है बेटा। ठीक है ना बच्चों। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपको पता है बेटा मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग होते हैं, जैसे मान लीजिए ये फीमेल फ्रॉग है, ये मेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करता है बेटा। ठीक है ना। टर टर की आपने रेनी सीजन में सुना होगा बच्चों, आवाज़ें निकालते हैं बेटा फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग मेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करती है बेटा। ठीक है ना। और फिर ये जल के किनारे पर इस तरह से बैठ जाते हैं बेटा। ठीक है ना। तो जल के किनारे पर बैठने के बाद आपने वॉच किया होगा बच्चों, ये फीमेल फ्रॉग बहुत सारे एग्स निकालता है बेटा, उसी समय ये नर भी अपने शुक्राणु इसके ऊपर छोड़ देता है बेटा। तो बेटा मेंढक के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या हो रहा है बेटा? शरीर के बाहर हो रहा है बेटा। ऐसे निषेचन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? बाह्य निषेचन। आई होप मेरे हिसाब से डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर यानी जलीय माध्यम में होना बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन मिलेगा किसमें? बाह्य निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है बेटा, तो डेफिनेटली जलीय जीवों में। अब जलीय जीव कौन होते हैं बेटा? जैसे शैवाल हो गया, या जैसे प्राणियों के अंदर देखिए बेटा फिशेज मछलियां हो गई बच्चों, ठीक है ना, एम्फीबियंस हो गए। तो इनके अंदर जनरली क्या होता है बच्चों? बाह्य निषेचन पाया जाता है बेटा। ठीक है। इसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, बाह्य निषेचन में यार बेटा नर युग्मक भी पानी में आ गया, मादा युग्मक भी पानी में आ गया, तो यार दोनों के फ्यूज होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो नर और मादा युग्मकों के संलयन को बढ़ाने के लिए
दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी ने दे रखी है। पहली चीज समकालिकता। क्या चीज दे रखी है बच्चों? समकालिकता। यार समकालिकता क्या होती है बेटा? जैसे मैंने अभी फ्रॉग का बताया था ना बच्चों, जैसे ही फीमेल फ्रॉग यानी मादा फ्रॉग जैसे ही अंडे त्यागता पानी के अंदर, उसी समय नर भी अपने शुक्राणु उसके ऊपर डाल देता है। इसको बोलते हैं समकालिकता, यानी एक साथ नर और मादा युग्मकों को जल में विसर्जित करना एक साथ, उसको बोलते हैं बेटा समकालिकता। ठीक है ना बच्चों? तो समकालिकता होना जरूरी है बच्चों, नहीं तो नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होगा बेटा। ठीक है ना? दूसरा बच्चों, आपको पता है बेटा अनसर्टेनिटी है, तो युग्मक बेटा बहुत अधिक संख्या में ध्यान रखना बेटा, ये युग्मकों का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं बेटा। समझ आया ना बच्चों? ताकि कोई ना कोई युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मकों का क्या होगा बेटा? संलयन हो जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बाह्य निषेचन करने वाले जो जीव है बेटा, युग्मक संलयन को बढ़ाने के लिए दो चीजें करते हैं बेटा। एक तो समकालिकता, यानी नर और मादा एक साथ युग्मकों का निर्मोचन करेंगे बेटा, और दोनों अत्यधिक मात्रा में युग्मकों का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं बेटा। ठीक है ना? एक बड़ी आपने वॉच किया होगा बच्चों, बारिश के सीजन में आपने देखा होगा तालाब के आसपास हजारों की मात्रा में आपको मेंढक मिल जाएंगे। आपने कभी सोचा भी होगा यार इतने सारे मेंढक क्यों पैदा किए मेंढक ने, फ्रॉग ने, है ना बच्चों? तो उसका रीजन क्या है बेटा? एक्चुअली में जो बाह्य निषेचन करते हैं जीव, यानी नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर हुआ बच्चों, तो उसमें युग्मनज का विकास भी शरीर के बाहर ही होगा बेटा, संतति भी शरीर के बाहर ही डेवलप हो रही है। तो वहां पर क्या होगा बेटा? उसकी संतति की अत्यधिक मात्रा को शिकारी, जो प्रीडेटर्स होते हैं बेटा, शिकारी क्या कर लेते हैं बेटा? भक्षण कर लेते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है बेटा बाह्य निषेचन करने वाले जीव भारी संख्या में जीव क्यों पैदा करते हैं? उसका रीजन है बच्चों शिकारी। शिकारी ध्यान रखना बेटा, उसकी संतानों को क्या कर देते हैं बेटा? शिकार कर लेते हैं। तो उनकी उत्तर जीविता थोड़ी कम रहती है, इसीलिए ध्यान रखना बेटा बाह्य निषेचन करने वाले जीव अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करते हैं बच्चों? संतानें पैदा करते हैं बेटा। ठीक है? अब इसके बाद देखो बच्चों आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन किसमें पाया जाता है बच्चों? ह्यूमन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। नर और मादा युग्मकों का संलयन यदि शरीर के भीतर हो रहा है, कहाँ हो रहा है बच्चों? शरीर के भीतर यदि होता है बेटा, तो ऐसे निषेचन को क्या बोलते हैं बच्चों? आंतरिक निषेचन बोलते हैं। तो आंतरिक निषेचन मिलेगा किसमें? स्थलीय जीवों में। समझ आया ना बच्चों? तो ध्यान रखना बेटा जलीय जीवों में जनरली बाह्य निषेचन होता है, और स्थलीय जीवों के अंदर क्या होता है बेटा? आंतरिक निषेचन। जैसे मान लीजिए क्या हो गया बच्चों? कवक, फंगस हो गया बेटा, जितने भी हायर प्लांट्स है बेटा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इनके अंदर क्या होता है बच्चों? आंतरिक निषेचन पाया जाता है बेटा। ठीक है ना बेटा? एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर एक चीज ये देखिए बेटा, आंतरिक निषेचन करने वाले जो जीव होते हैं उसमें नर युग्मक जनरली मोटाइल होता है, मोटाइल का मतलब बेटा चलनशील होता है बेटा, और मादा युग्मक क्या होता है बच्चों? नॉन मोटाइल होता है। लेकिन 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 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बीजीय पादप। बीजीय पादप कौन होते हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म और क्या बेटा? एंजियोस्पर्म। जो बीजीय पादप है ना बेटा, उनके अंदर ध्यान रखना दोनों युग्मक नॉन मोटाइल होते हैं, अचलनशील होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान रखना बीजीय पादपों में दोनों युग्मक क्या होते हैं बच्चों? अचलनशील होते हैं बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ठीक है ना? तो बच्चों ये तो हो गया बेटा अपना क्या बेटा? निषेचन। तो निषेचन वाली घटना आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या बोलते हैं बेटा? निषेचन। और निषेचन से क्या बनता है बच्चों? युग्मनज। दो प्रकार का होता है निषेचन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जलीय जीवों में पाया जाता है, और आंतरिक निषेचन स्थलीय जीवों में होता है बेटा। ठीक है बच्चों? अब अपनी नेक्स्ट घटना देखो बच्चों। नेक्स्ट घटना क्या है बेटा? निषेचन पश्चात घटना। निषेचन हो गया बच्चों, क्या बोला बेटा? जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार ये नर युग्मक, ये क्या बच्चों? मादा युग्मक। आपको पता है ये भी एन होता है, ये भी एन होता है बेटा। ठीक है ना? दोनों का संलयन हुआ और क्या बना बच्चों? द्विगुणित युग्मनज बनना। अब इस युग्मनज का क्या होगा? इस युग्मनज का जो विकास है बेटा और भ्रूणोद्भव, भ्रूण का निर्माण, ये दोनों घटनाएं अपन केस में पढ़ेंगे बच्चों निषेचन पश्चात घटना। तो पहले निषेचन पश्चात घटना पढ़ रहे हैं बेटा, युग्मनज क्या है, युग्मनज का क्या होने वाला बच्चों, ये अपन निषेचन पश्चात घटना में पढ़ेंगे बेटा। तो पहली चीज आपको पता है बच्चों, मैंने अभी कहा था कि यार ये नर युग्मक है बच्चों, और ये क्या बेटा? मादा युग्मक। दोनों का संलयन हुआ बच्चों, और द्विगुणित क्या बना बच्चों? युग्मनज, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? जायगोट। क्या बोलते हैं बेटा? जायगोट। तो पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, युग्मनज द्विगुणित होते हैं।
ध्यान रखना, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं बेटा, और युग्मनज हमेशा क्या होता है बेटा, द्विगुणित। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट इस आपको पता है इस युग्मनज से क्या बनेगा बेटा, भ्रूण, और इस भ्रूण से क्या बनेगा बच्चों, नया जीव बनेगा बच्चों। तो युग्मनज ध्यान रखना बेटा, दो पीढ़ियों की योजक कड़ी है, समझ आया ना बच्चों। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव की योजक कड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आ गया। दो पीढ़ियों के बीच की योजक कड़ी, जैसे मान लीजिए नर और मादा है बेटा, उन्होंने शुक्राणु और अंडाणु पैदा किए बच्चों, युग्मनज बना, युग्मनज से उनका नया जीव बना, यानी पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच की जो योजक कड़ी है बेटा वो क्या है, युग्मनज है बेटा, ठीक है ना। तो दो चीजें, एक तो युग्मनज द्विगुणित होते हैं, और युग्मनज क्या बच्चों, योजक कड़ी है बेटा, ठीक है ना बेटा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि यार जो बाह्य निषेचन करते हैं ना, बाह्य निषेचन करने वालों में मुझे बताओ युग्मनज कहाँ बना बच्चों, शरीर के बाहर, जल के अंदर बना बेटा, तो वहीं पे ही युग्मनज का विकास होता है। लेकिन आंतरिक निषेचन करने वाले जो जीव होते हैं ना बेटा, उनके अंदर युग्मनज का विकास शरीर के भीतर भी हो सकता है और शरीर के बाहर भी हो सकता है बेटा, वो अभी अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। दो प्रकार के जीव होते हैं, अंड प्रजक और क्या बेटा, सजीव प्रजक, ठीक है ना बच्चों। तो एक तो ये चीज़ें ध्यान रखना बच्चों। एक देखो बेटा, मैंने आपको कहा कि यार युग्मनज बन गया साहब, युग्मनज क्या होता है बच्चों, द्विगुणित होता है बेटा। अब इस युग्मनज का क्या होगा बेटा, इसका फर्दर क्या चीज होगी बेटा, तो ये यदि मान लीजिए अपन प्लांट के बारे में पढ़े बेटा, तो 11th क्लास में अपन ने डिस्कस किया था बेटा कि पादप के अंदर तीन प्रकार की जीवन चक्र होते हैं बेटा। आपने पढ़ा होगा हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हेप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, या हिंदी में आपने पढ़ा होगा अगुणितक, द्विगुणितक, अगुणितक, द्विगुणितक। आपके 12th क्लास में इस बार अगुणितक का एग्जांपल दे रखा बच्चों, ठीक है ना बेटा। अगुणितक का मतलब क्या होता है बेटा, समझिए इसको, यदि आपने 11th थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा हो बेटा, तो इधर देखिए बच्चों, जो कवक होता ना बेटा, कवक का मुख्य शरीर ध्यान रखना बेटा अगुणितक होता है। कवक का जो मुख्य शरीर होता है ना बेटा, वो एन होता है, हैप्लोइड, अगुणित होता है बेटा। ये जो कवक होता है ना बेटा, इस कवक से ध्यान रखना नर युग्मक बनते हैं बच्चों। मान लीजिए ये नर युग्मक हो गया बेटा, और ये क्या हो गया बच्चों, मादा युग्मक, ठीक है ना बेटा। ये भी एन है, युग्मक आपको पता है हमेशा ही एन होते हैं बेटा, ये मादा युग्मक। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो कवक है ना बेटा, नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं कब है, एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसमें यदि अनुकूल परिस्थितियां हो तो कवक हमेशा ध्यान रखना अलैंगिक जनन करेंगे, लेकिन यदि प्रतिकूल परिस्थितियां जाए तो कवकों में ध्यान रखना कौन सा जनन होता है बच्चों, लैंगिक जनन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि कवक लैंगिक जनन कब करते हैं बेटा, प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये नर युग्मक और मादा युग्मकों का क्या करेगा बच्चों, निर्माण करेगा। अब ये युग्मक क्या हो गए बच्चों, जुड़ गए। चलिए साहब, नर युग्मक और मादा युग्मक जुड़ गए, क्या बना बच्चों, युग्मनज। ये लो साहब, युग्मनज बन गया, यानी जायगोट बन गया बच्चों, युग्मनज बन गया बच्चों, ठीक है ना। ये जायगोट क्या करेगा बेटा, अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण कर देता है। ये जायगोट अपने चारों तरफ क्या कर देता है बेटा, एक मोटी भित्ति का निर्माण कर देता है। ये मोटी भित्ति इस जायगोट की क्या करता है बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन यानी प्रतिकूल परिस्थितियों से इसकी क्या करती है बेटा, सुरक्षा करने का काम करता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है बच्चों, ये जो जायगोट है ना बेटा, ये जायगोट, इस जायगोट में ध्यान रखना अर्धसूत्री विभाजन होते हैं बेटा, और अर्धसूत्री विभाजन होकर के अगुणित बीजाणुओं का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। अगुणित क्या बनते हैं बच्चों, बीजाणु बनते हैं बेटा, अगुणित बीजाणुओं का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, ठीक है ना बच्चों। यानी 2n से वापस n बन गया, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों, ध्यान रखना, और ये बीजाणु अंकुरित होकर के क्या बना देते हैं बच्चों, कवक। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर ये पूरी थ्योरी दे रखी बेटा। मैंने आपको क्या कहा बच्चों, इधर देखिए, युग्मनज का आगे का विकास जीव के जीवन चक्र और पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो उसका मैंने पहला एक एग्जांपल दिया बच्चों कि इस युग्मनज का होगा क्या। जैसे मान लीजिए यदि कवक है, कवक में आपको पता है बच्चों कौन सी लाइफ साइकिल होती है, हेप्लोन्टिक। अगुणितक जीवन चक्र किस में पाया जाता है, सेवाल और कवक में। मैंने आपको क्या कहा बेटा, सेवाल और कवक प्रतिकूल परिस्थितियों में, यहां पर देखिए बेटा, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में
कौन सा जनन करते हैं बच्चों? लैंगिक जनन करते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। और क्या बनाते हैं बच्चों, ध्यान रखना बेटा, युग्मनज बनाते हैं। और ये युग्मनज अपने चारों तरफ क्या बना देता है बेटा, मोटी भित्ति बना देता है। ये मोटी भित्ति उसकी सुरक्षा करती है, ठीक है ना बेटा, शुष्कन से और क्षति से। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनते हैं बच्चों, बीजाणु। ये देखिए बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु अंकुरित होकर के वापस नए कवक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे बेटा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन यदि मान लीजिए पादपों के अंदर जीवन चक्र द्विगुणित तक आ गया या अगुणितक द्विगुणित तक आ गया, तो बच्चों वहां पर थोड़ा चेंज आ जाएगा। वहां पर क्या होगा बेटा, ये युग्मनज अपने चारों तरफ मोटी भित्ति नहीं बनाता है बेटा, उनके अंदर भ्रूण का विकास होता है बेटा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, भ्रूणोद्भव, ये तो होता है बेटा, ध्यान रखना, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है बेटा वो क्या बच्चों, भ्रूणोद्भव निषेचन पश्चात घटना सेकंड है बेटा, इसको अपन एम्ब्रियोजेनेसिस भी बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बेटा यार एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, समझिए इसको, क्या बन गया था बच्चों, अभी अपन ने क्या बना दिया था, युग्मनज, क्या बना दिया था बच्चों, युग्मनज। इस युग्मनज से भ्रूण के निर्माण को, यानी एम्ब्रियो के निर्माण को, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण को क्या बोलते हैं बच्चों, एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो कैसे होगा निर्माण, कैसे होगा बेटा, समझिए बच्चों, ये जो युग्मनज होता है ना बेटा, इस युग्मनज में ध्यान रखना बेटा, इसकी कोशिका में बार बार क्या होंगे बेटा, समसूत्री विभाजन होते हैं बेटा, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है। फिर इन कोशिकाओं में क्या होता है बच्चों, विभेदन होता है, और नए जीव का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, ठीक है ना बच्चों। यानी इस कोशिका विभाजन, फिर इनमें विभेदन होगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर भ्रूण से नए जीव का क्या हो जाता है बेटा, विकास हो जाता है बच्चों। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, क्या देर का थ्योरी में युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, भ्रूणोद्भव बोलते हैं बेटा, या एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है बेटा कोशिका विभाजन होता है, और एक कोशिका विभेदीकरण। तो कोशिका विभाजन से तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, और विभेदीकरण से मैंने क्या कहा था बेटा, उत्तकों और अंगों का निर्माण होता है, और फाइनली नए जीव का क्या हो जाता है बेटा, विकास हो जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखो बच्चों कि यार जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार बेटा ठीक है ना, बाह्य निषेचन में तो अपने को क्लियर हो गया कि यार युग्मनज का विकास शरीर के बाहर ही होगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन जिनमें निषेचन आंतरिक होता है जैसे मनुष्य के अंदर, तो युग्मनज का विकास कहाँ होगा बेटा, शरीर, मादा शरीर के भीतर, ठीक है बेटा। लेकिन सभी आंतरिक निषेचन जीवों में ऐसा नहीं होता बेटा। जैसे मैंने कहा यार स्नेक है बेटा, यानी सरीसृप हो गए, बर्ड्स हो गए, इनमें निषेचन भले ही आंतरिक होता है, लेकिन युग्मनज का विकास शरीर के भीतर नहीं होता है, शरीर के बाहर अंडों में होता है बेटा। निषेचन की क्रिया युग्मनज बिल्कुल शरीर के भीतर बना, लेकिन उस युग्मनज का फर्दर जो डेवलपमेंट है, यानी आगे का जो विकास है, वो अंडों में होगा। तो इसके आधार पर बेटा ध्यान रखना, युग्मनज का विकास कहाँ हो रहा है, इसके आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं। एक तो होते हैं बेटा अंड प्रजक, नाम से पता चल रहा है अंड प्रजक, यानी ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, और इन्हीं अंडों में युग्मनज का क्या होगा बेटा, विकास होगा। तो उनको तो बोलते हैं अंड प्रजक। तो अंड प्रजक में अपने कौन आते हैं बेटा, सरीसृप आ गया, पक्षी वर्ग आ गया, यानी स्नेक, यानी रेप्टाइल्स और बर्ड्स। लेकिन जो प्राणी जैसे मनुष्य है बेटा, मनुष्य बेटा अंडे नहीं देता है, युग्मनज का जो विकास है शरीर के भीतर ही गर्भाशय के अंदर होता है बच्चों, वो शिशु पैदा करते हैं, यानी वेल डेवलप न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं बेटा। तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं बेटा अपन, शिशु प्रजक बोलेंगे, सजीव प्रजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सजीव प्रजक बोलेंगे। एक और चीज रखना बच्चों, ये जो अंड प्रजक जीवन है अंडे देते हैं, आपने देखा होगा बेटा मुर्गी का अंडा या किसी बर्ड्स का अंडा देखा होगा, तो अंडे के चारों तरफ आपने देखा होगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है। किसका बना होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है। ये कवच ध्यान रखना अंदर जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसकी सुरक्षा करने का कार्य करेगा बच्चों, ठीक है ना। फिर देखो बेटा सजीव प्रजक में, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यार सजीव प्रजक में शिशु पैदा करते हैं, और इसमें युग्मनज का विकास मादा जनक के शरीर के क्या होता है बेटा, भीतर होता है। तो मुझे बताओ बच्चों, एक तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यानी भ्रूण विकसित हो रहा अंडे में, एक भ्रूण विकसित हो रहा मादा शरीर के भीतर, तो सर्वाइव रहने के यानी उत्तर जीविता सर्वाइव रहने के चांसेस किसके ज्यादा। तो सिंपल सी चीज है यार, मादा शरीर के भीतर, क्यों, क्योंकि वहां पर संरक्षण ज्यादा मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है बच्चों, न्यूट्रिशन मिल रहा है बेटा, यानी पोषण मिल रहा है, अच्छी देखभाल हो रही है बेटा। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, भ्रूण की सही देखभाल होती है बच्चों, और संरक्षण यानी सुरक्षा मिलती है बेटा, इसीलिए सजीव प्रजकों की उत्तर जीविता ज्यादा होती है बच्चों। सजीव प्रजकों की उत्तर जीविता क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, ठीक है ना बच्चों। यदि मान लीजिए अपन प्लांट के अंदर लें बच्चों, प्लांट के अंदर जैसे पुष्पीय पादप,
ठीक है ना बच्चों, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या पढ़ाया था बच्चों, मैंने आपको ध्यान हो तो कुछ याद आ रहा हो तो मैंने कहा कि यार ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये क्या बताया था बच्चों, अंडाशय। फिर आपने पढ़ा होगा बच्चों बीजांड, क्या पढ़ा होगा बच्चों, ये बीजांड। ठीक है, इसके अंदर होती है बेटा अंड कोशिका। आपने पढ़ा होगा बच्चों परागकण, परागण के द्वारा आते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, नर युग्मक। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा बेटा ये पराग नली बनाता है, और ये पराग नली बीजांड के अंदर क्या कर देती है बेटा, प्रवेश कर जाती है और नर युग्मक को यहाँ पर छोड़ देती है। नर और मादा, एक चीज रखना बच्चों, मैंने पहले ही कहा कि यार बीजीय पादप में नर युग्मक भी अचलनशील है, ये ध्यान रखना बेटा, ये अचलनशील है, ये इस नली के थ्रू आ रहे हैं बच्चों, चलते नहीं बेटा, कोई फ्लेजिला नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। तो नर और मादा युग्मकों का संलयन हो गया बेटा, क्या बन गया, युग्मनज, यानी बीजांड के अंदर युग्मनज बन जाता है बच्चों, और फिर बाद में इस युग्मनज से क्या बनता है बेटा, भ्रूण। और ये जो बीजांड है ना, ये बीजांड है बच्चों, ध्यान रखना बेटा, क्या ये बीजांड, इस बीजांड से ध्यान रखना बेटा क्या बनता है बच्चों, बीज। ये बाहर जो आपको दिख रहा है ना बेटा, बाहर ये वाली संरचना, ये क्या बच्चों, अंडाशय, अंडाशय है बच्चों। इस अंडाशय से क्या बनता है बच्चों, फल, फल बनता है, फ्रूट। आपने पढ़ा होगा बच्चों अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है, और युग्मनज से क्या बनता है बच्चों, भ्रूण बनता है। तो ये जो अंडाशय है ना बेटा, ये बाहर का जो दिख रहा है बेटा, ये अंडाशय, ये फल भित्तियां बनाता है, और ये फल भित्तियां ध्यान रखना बेटा, बीज और भ्रूण की क्या करती है बेटा, सुरक्षा करने का कार्य करती है बच्चों, ठीक है ना बेटा। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है बच्चों, उन बीजों से नए बीजों का, नए पादपों का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। तो ये अपने कुल मिला के निषेचन पक्ष घटनाएं होगी बेटा, ये चैप्टर अपना कंप्लीट है बेटा। एक दो दिन बाद नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, उसके वीडियो लेक्चर मैं आपको पोस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।